महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, घृणा को घृणा से ही ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही ख़त्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक सच्ची सीख, जो कि महात्मा बुद्ध की सच्ची कहानियों में से एक है। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू अंगुली माल। डाकू मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा था। गांव के सभी लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवाभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। जब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा, ये सुनते ही गांव वालों ने डाकू के आतंक का पूरा किस्सा सुना दिया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आता देख डाकू हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उनकी गुफा के सामने से निकल गए और उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। डाकू उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? नहीं लगता सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी है माल निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। डाकू बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। डाकू ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। डाकू ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। डाकू ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते देखे हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी बात को वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर डाकू को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही डाकू बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ।